नमस्कार। इस समय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आने वाले 9 दिनों तक कई लोग जो है देवी की उपासना करेंगे, देवी की पूजा करेंगे और इसी दौरान कई श्रद्धालु जो है उपवास व्रत भी करते हैं। देवी की पूजा अर्चना में फलों का विशेष महत्व रहता है। ऐसे में अभी देखा जा रहा है कि फलों के भावों में, दामों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। कई राज्यों से केला जो है खास करके और सेब जो है ऐसे फलों में तेज़ी से बढ़ोतरी की गई है। इसी के रेट जानने के लिए हम खरगोन के मार्केट पहुंचे हैं। यहां व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय फलों के दाम क्या चल रहे हैं या आने वाले समय में कहाँ तक ये पहुँच सकते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? दीपक वर्मा। दीपक भाई क्या रेट चल रहे हैं फलों के इस समय और क्या लगता है कितने बढ़ सकते हैं? केले के दाम अभी उछाल है 20 रुपये दर्जन के हिसाब से। यहाँ पे दर्जन से बिकता है केला, निमार में हमेशा दर्जन से केला बिकता है। तो अभी समथिंग जो 30 रुपये था वो अब 50 पे दर्जन के समथिंग हो गया। और अगर बाकी फलों की बात करें तो क्या है? तो केले की इस बार आवक कम है, आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। 40-50 रुपये दर्जन तो अभी लगभग चल ही रहा है और आगे की प्रोसेस देखे जाए तो अभी 9 दिन बाकी। अभी तो पहला दिन है माता जी का और जैसे सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये विशेष निमाड़ में केले की ज़्यादा मतलब मांग रहती है। जैसे क्या कि बच्चों के तोलादान वगैरह इसमें भी डिमांड रहती, तो खासकर देखा जाए तो केला किलो के हिसाब से भी बिक सकता है और दर्जन देखा जाए तो 60-70 रुपये दर्जन भी बिक सकता है। बाकी भी हम देख रहे हैं सेब फल, अनार है, पपीता है या इस तरह के फल हैं, इनकी भी डिमांड काफ़ी रहती है। तो क्या क्या लगे? इस बार सेब की आवक अच्छी है तो देखा जाए तो अभी कश्मीर का सेब फल अभी आया है मार्केट में, जो 140 और 160 था वो अभी मैक्सिमम 100 रुपये किलो हो गया। क्योंकि सेब फल में अभी देखा जाए तो अभी रेट कम हुए हैं। बाकी फलों की अगर हम बात करें तो उनके क्या रेट चल रहे हैं? सीजनेबल फ्रूट के हिसाब से देखा जाए अभी सीताफल चालू हो गए, मौसम्बी का सीजन है तो इनमें भी रेट काफ़ी कम है। और नारियल पानी के देखा जाए तो अपने निमार में सब जो 60 पे और हमने श्रद्धालुओं के लिए जिसके अभी उपवास फास्ट चल रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम सभी व्यापारियों ने मिल के एक ही रेट निर्धारित कर दिया 50 रुपये नारियल। हिमांशु वर्मा। हिमांशु भाई देख रहे हैं कि इस समय नवरात्रि शुरू हो गई है और फलों के रेटों में जो है काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, यहाँ के रेट क्या बोलते हैं? यहाँ पे रेट अभी एप्पल का चल रहा है 100 रुपये किलो, अच्छी क्वालिटी कम से कम रेट। केला चल रहा है 50-40 रुपये दर्जन, 30 रुपये दर्जन। सीताफल 80 रुपये किलो बिक रहा है, अनार 160 रुपये किलो बिक रहा है, रसभरी है 100 रुपये किलो बिक रही है, अपने पास नारियल पानी है 50 रुपये नग बिक रहा है और अपने पास मौसम्बी है 60 रुपये किलो बिक रही है। नए फल में भी सीताफल आया है अपने पास, अभी सीताफल की डिमांड चल रही है। केले को लेकर के बता रहे हैं काफ़ी तेज़ी से इसके दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लगता है आपको आने वाले में कितना भाव बढ़ सकता है? देखिए इसका कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा 10-20 रुपये दर्जन का और बढ़ोतरी हो सकती है। 40 बिक रहा है, 50-60 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम संतोष कुमार गोयल। आप देख रहे हैं नवरात्रि शुरू हो गई है, फलों के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, बजट पर क्या असर पड़ रहा है? बजट तो बहुत बढ़ने वाला है, फल महंगे हो रहे हैं तो ऐसा कहीं नहीं है, मतलब जो चल रही है परंपरा रीति वो तो चलती ही रहेगी, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है घर के बजट कुछ नहीं सब। तो जैसा कि मार्केट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है रेटों में लोग करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ सकते हैं, खास तौर पर केला जो है ये और महंगा हो सकता है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि 70-80 रुपये तक भी जा सकता है लेकिन कुछ का कहना है कि ये 50-60 रुपये तक में जाकर सीमित हो जाएगा। सेब को लेकर के बताया जा रहा है कि इस समय सेब जो है सस्ता हो गया है क्योंकि सीजन चल रहा है। सीताफल भी इस समय मार्केट में आ गया है जो हम देख सकते हैं और इन फलों की काफ़ी डिमांड यहाँ पर लोगों में देखी भी जा रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि फलों को लेकर ज़्यादा कुछ दाम में उतार चढ़ाव नहीं है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।